समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए वहां फैली बुराइयों को दूर करने के लिए यूनाइट फाउंडेशन हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को यूनाइट मंथन कार्यक्रम का आयोजन करता है। तो सबसे पहले तो यहां सभी उपस्थित बुद्धिजीवियों को मेरा शत-शत नमन और प्रणाम, और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दीक्षित सर का और यूनाइट फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहने का। आज का विषय, मैं जल्दी से अपने विषय पर भी आना चाहूँगी क्योंकि समय के लिए हम लोगों के पास कमी है और यहाँ इतने लोग हैं जो बाद में जो भी यहाँ पे चर्चा हो रही है तो उस पर आप लोग भी अपना कुछ व्यू पॉइंट रखना जरूर चाहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बस एक मिनट के अंदर अपना कुछ मैं अपना फाउंडेशन मतलब मैं बता दूँ कि मैं पिछले 18+ वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में मैं पढ़ा रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक अफिलिएटेड कॉलेज में, शिक्षा शास्त्र विभाग में हूँ। और उसके पहले से ही जो है, जब मैं स्कूल में भी थी कॉलेज में तब भी, तब से ही शायद विवेकानंद जी के व्यक्तित्व ने बड़ा प्रभावित कर रखा था। तो कहीं भी विवेकानंद जी को देखो, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर्स, उनकी किताबें, तो कहीं भी जाते थे तो उनकी किताबें छोटी बड़ी सब लाके, और मुझे पढ़ने का शुरू से ही बड़ा शौक था। और ये कुछ भगवान की बड़ी कृपा रही कि जैसा कि हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं तो हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य यही है कि हम कैसे आज के युवाओं को हम प्रभावित कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, उन्हें हम इतना जागृत कर सकें कि उनकी चेतना जागृत हो जाए और वो समाज में जो अब वाजिब परिवर्तन आने की जरूरत है वो ला सकें। तो ईश्वर की बड़ी दया है कि पिछले 4.5 सालों से मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हूँ, और स्वामी जी की बड़ी कृपा है, वहाँ के जो अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथानंद जी हैं और उनका आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे स्वयं बुलाया और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया और मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं वहाँ पे जो युवा हैं, जो हमारे समाज के जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, उनके व्यक्तित्व विकास का मैं मतलब उसका भार उठाऊँ। तो एज ए ट्रेनर, एज लाइफ स्किल कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मैंने ये जिम्मेदारी पूरी उससे ईमानदारी से उठाने की कोशिश करी और आज की तारीख तक लगभग 1000 स्टूडेंट्स, युवा लड़के और लड़कियां, वहां पे निशुल्क वहां पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम जो हम करते हैं वो 8 सेशंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो लगभग 20 से 25 दिन चलता है। एंड इट्स नॉट ए सिंपल लेक्चर सेशन जहाँ पे हम खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो सुनते हैं और चले जाते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो किसी भी मिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग से कम नहीं है, जहाँ पे उनको खुद से बहुत सारी एक्टिविटीज, मेरा केवल आधे घंटे का इनपुट होता है जो मुझे देना होता है, और बाकी का 2.5 घंटा उनको खुद बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है, और जिसके बाद उनके पर्सनैलिटी में, जो हम आज व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, वो जब आए थे और जब वो लगभग 1 महीने बाद जब वो जाते हैं तो देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क उनकी पर्सनालिटी में दिखता है, ये फैक्ट है। तो ये मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे ये मौका मिला हुआ है। और अब बात करते हैं कि जहां तक आज के विषय की बात है कि वास्तविक शिक्षा और व्यक्तित्व विकास, तो इसके पहले कुछ ये जो टर्म्स हैं आज के टॉपिक में उसको हम, हालांकि बहुत सुंदर नींव सर ने रख दी है इसके पहले ही, बहुत अच्छे तरीके से सर ने सब पूरा हमारा जो शुरू से शिक्षा की प्रक्रिया रही है, पद्धति रही है, और व्यक्तित्व क्या है, विकास क्या है, सब बताया। लेकिन थोड़ी सी एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, शिक्षाशास्त्री होने के नाते मैं थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालूंगी। एजुकेशन, शिक्षा शब्द जो है वो लैटिन वर्ड एजुसियर से आया है, जिसका मतलब है टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग आउट, बाहर निकालना। तो अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो जैसा कि सर ने भी बताया, हम सब पढ़े हैं, जानते हैं कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मतलब अभिव्यक्ति किसकी, जो ऑलरेडी हमारे अंदर पूर्णता है, मतलब हम सब पूर्ण हैं अपने आप में। तो पहले तो हम यही अपने अंदर पहले ये इंट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन कर लें कि मैं एक अनमोल आत्मा हूं, जो शायद कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, हम गुम हो जाते हैं, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं यहां के लोगों की बात शायद मैं नहीं कर रही हूं, क्योंकि हम सब जागृत लोग हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब एक सोल है, एक आत्मा है। लेकिन उन लोगों का क्या, उन युवाओं का क्या जो आज 65 से 70% जो हमारी युवा शक्ति है देश की,
वो शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि हर बच्चा हर युवा एक अनमोल है अपने आप में। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है कि आज का युवा, क्योंकि मैं इतने युवाओं से मैं जुड़ी हुई हूं, ना केवल अपने कॉलेज के माध्यम से बल्कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, कि हर युवा वो बेचारा वो यही सोचता है मैं किस लायक हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मुझसे शायद नहीं होगा, मैं कहां पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। दैट मीन्स वो केवल एक ही धरने पर वो सोच रहा है, और वो क्या सोच रहा है कि मेरी कब जो है वो डिग्री पूरी होगी, जैसा कि अभी बातचीत हुई, और कब मेरी नौकरी लग जाएगी, कब मैं इस जगत में, इस संसार में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव कर सकूंगा दैट यस दिस इज व्हाट आई एम। अगर मेरा नाम आशीष है तो मैं आशीष को कैसे प्रूव कर सकूंगा कि हाँ भाई ये आशीष है, आशीष ने ये काम किया है। तो इसका मतलब हमारा युवा जगत आज के इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है। बट द फैक्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू इंप्रूव योर सेल्फ रादर देन टू प्रूव योर सेल्फ। हमें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। हम कहां हैं और हमें कहां जाना है, हम कौन है, असल में कौन है और हमें क्या बनना है, जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। तो शिक्षा का वास्तविक मतलब, स्वामी जी ने भी यही कहा कि शिक्षा वो नहीं है जो पुस्तकीय ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं स्कूलों के द्वारा, बेसिक एजुकेशन के द्वारा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो हम शिक्षा शास्त्री जो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुस्तकों के द्वारा, नोट्स देकर, एग्जाम देकर, वो ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा असल में नहीं है। बट शिक्षा इसके बियॉन्ड है, एजुकेशन इज मच मच बियॉन्ड दैट। और दूसरी बात फिर आती है यहां पे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो शिक्षा से कैसी जुड़ी है। तो पर्सनालिटी सर ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी पर्सनालिटी जो है वो शब्द आया है परसोना से, हम सब जानते हैं, एंड परसोना मींस मास्क दैट इज मुखौटा। तो हम फिर वही बात करें कि आज हम सब कहीं ना कहीं, और खासकर हमारा युवा जगत, एक मुखौटा पहन के इस समाज में, दुनिया में घूम रहा है। वो है कुछ और, दिखता कुछ और है, वो सोचता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करना कुछ चाहता है, कर कुछ रहा है। मतलब कर्म वचन इसमें कहीं भी, उसके कहीं भी समायोजन बैलेंस नहीं है। और उसका एक ही कारण है कि ही इज लिटरली कंफ्यूज्ड कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है, कहां जाना है। तो पर्सनालिटी का मतलब हो गया मुखौटा, और मुखौटे का मतलब हो गया कि एक जो हम, एक जो फॉल्स, एक परसोना, एक पर्सनालिटी जो ओढ़े चल रहे हैं समाज में, उसको निकाल के बाहर फेंकना है, और हम जो हैं उसको पूरी तरह से हमें स्वीकार करना है। ये दिस इज व्हाट आई एम। सो ये एक्सेप्टेंस की जो प्रवृत्ति है हमें युवाओं में लानी है कि अपने आप को स्वीकार करो। यही कारण है कि आज हर रोज न्यूज़पेपर में आप पन्ना पलटिए तो कोई IIM का बच्चा, कोई IIT का बच्चा, सात साल का बच्चा, क्लास टू का बच्चा, थ्री का बच्चा फांसी लगा के मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। व्हाई? बिकॉज शायद यही इसकी वजह है कि वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं प्रैक्टिकल में नहीं नंबर ला सका, मैं नहीं इतने परसेंटेज से पास हो सका, सो व्हाट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, देयर इज मच मोर, इसके आगे भी बहुत कुछ करने के लिए है, जाने के लिए है। तो ये वास्तविक शिक्षा जो है, ये ज्ञान, ये कॉन्शियसनेस, ये रियलाइजेशन हमें अपने युवाओं में लाने की आज बेहद जरूरत है। तो अगर हम थ्योरी की बात इस समय ना करें और हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात करें, जो अब मोडस ऑपरेंडी तय करना है, क्योंकि आज शायद हमारा ये जो आज हम लोग यहां बैठे हैं और हम इस बात की चर्चा करने बैठे हैं, तो जरूरी है कि मोडस ऑपरेंडी तय करी जाए कि आज जरूरत किस चीज की है और हमें करना क्या है। क्योंकि हम सब अपने अलग अलग जगहों पे अपने अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि दीक्षित सर ने कहा, बहुत रियलिटी वाली बात करी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे युवा बहुत सारे हैं, वहां तक उन तक कैसे पहुंचा जाए। केवल इन छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा दुख होता है कि कैसे पहुंचे। मन तो करता है कि उड़ के पता नहीं कहां 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 चले जाओ, सबको बताओ, लेकिन कैसे होगा। तो पहली बात यह है कि हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा। तो यूनाइट फाउंडेशन में है, खड़े हैं आज, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं इस बात को कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम केवल इस समय बात क्या करें युवाओं को, हम बच्चों को,
कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम कैसे मोटिवेट करें, इंस्पायर करें उनको, चेतना हम उनकी जागृत करें, बात हम इसकी कर रहे हैं, लेकिन शायद हम ये भूल गए कि इसके पीछे बहुत से कारक हैं जिनको भी हमें ट्रिगर करने की जरूरत है। अब वो क्या है? नंबर वन, इन युवाओं के माता पिता, जो शायद हम में से आप में से कई लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं अपने, माता पिता का क्या? माता पिता के बारे में सोचिए, यही है आज माता पिता, माफ करिएगा, जो बच्चे को प्रेशराइज किए हुए हैं, युवाओं को प्रेशराइज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल कोट करती हूं, एक बच्चा है जो पिछले 2 सालों से मेडिकल की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन वो प्राइवेट कर रहा है किसी तरह, और मेडिकल की तैयारी कर रहा है, यही लखनऊ में पढ़ रहा है, कमरा लेके रह रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, ऐसे तमाम हजारों युवा हैं जो हमारे लखनऊ के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट से, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, हरदोई, इधर उधर से आके, और मैं सब बच्चों को जानती हूं, वो आकर यहां पर कमरा लेकर कितनी दिक्कतों के साथ वो रह रहे हैं, इतनी भरी सर्दी में। मैं उस बच्चे को क्योंकि पर्सनली जानती हूं, एक ही नहीं बहुत से बच्चे हैं, वो ठंड में सुबह ठंडे पानी से नहा के 7 बजे कोचिंग जाता है, 7:30 से उसकी केमिस्ट्री की कोचिंग होती है, 10:30 बजे से 10:30 बजे दूसरी क्लास में चला जाता है फिजिक्स और मैथ्स की कोचिंग में, 1:30 बजे तक करता है, उसके बाद लाइब्रेरी अचार नरेंद्र लाइब्रेरी में बैठकर शाम के 5 बजे तक वो वहां पढ़ता है, और शाम को घर आके फिर अपना खाना बनाता है, सुबह के लिए सब्जी बनाकर रखता है, क्योंकि सर्दियां हैं तो सब्जी खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सब्जी बना देता है, सुबह रोटी बना के चला जाता है ठंडे पानी से नहाकर। क्यों? क्योंकि शायद वो गीजर नहीं लगा सकता या कोई गर्म पानी का प्रबंध नहीं कर सकता, और रात में 2 बजे तक पढ़ता है खाना खाके। ये हकीकत है, ये बच्चे जो बैठे हैं इनसे पूछिए, यही कर रहे हैं ये, और गलत नहीं है ये, कहीं पे झूठ नहीं है। मगर 2 साल से इसने 2 बार नीट का एग्जाम दिया, मगर ठीक है वो नीट की क्लियर कर पाए, पढ़ाई बहुत करी, मेहनत बहुत करी, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, मगर क्लियर नहीं कर पाया। तो पिताजी क्या कहते हैं? बेकार ही पैसा तुम्हारे पे लगा रहे हैं। अरे नकारे हो, नकारे थे ना, बीएससी कंप्लीट कर पाए, लेकिन ये कोट अनकोट में कर रही हूं, कोट अनकोट कर रही हूं। उस बच्चे ने रो के मुझे बताया है, एक लड़का होके रो के उसने मुझे बताया है। पिता कहते हैं अब की बार अगर क्लियर नहीं हुआ, बोरिया बिस्सा लेकर चले आना और खेती बाड़ी करो, तुम्हारे यही काम है, यही करो। एंड ही अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, और क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है तो आए दिन उसको मोटिवेट करने का काम मेरा है कि बच्चा नहीं देखो, मम्मी पापा तो वो तुम्हारा एक ही, उनका वो देखेंगे भाई, उनका तो एक ही है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट चाहते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ, हम पैसा लगा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, वहां रहकर पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या करते हो, पढ़ते भी हो कि क्या गुलछर्रे उड़ाते हो, तो उनका तो बेटा वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो तुमसे रिजल्ट चाहते हैं, उनकी बातों का बुरा ना मानो, तुम अपनी मेहनत करो, आई एम देयर विद यू। और वो कहता है कि वो मुझे माँ कहता है, मैं बड़े आपसे मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ कि रामकृष्ण मिशन से मैं जितने युवाओं से जुड़ी हूँ, तो मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ये बड़ा भाग्य है मेरा कि मुझे आज माँ कहने वाले हजारों लोग खड़े हैं, वहां बच्चे खड़े हैं, मुझे माँ कहते हैं, दे कॉल मी माँ, लड़के हो या लड़कियां। तो कहता है कि माँ एक आप ही हो जो मुझे इस तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते हो, और आपकी वजह से ही मैं आज इतनी मेहनत आगे कर पा रहा हूं, मुझे यकीन है कि मैं क्लियर कर दूंगा। ये एक एग्जाम्पल सर मैंने आपको दिया है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब कि पहला फैक्टर हमको जिनके जिन पर वर्क करना है वो है पेरेंट्स, और आज ज्यादातर प्रॉब्लम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की है, द प्रेशर्स हमारे जो बच्चे और हमारे युवा जो फेस कर रहे हैं। लड़कियां नारी शिक्षा की बात कह लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने 2 ही बातें इंपॉर्टेंट कही उस समय, उन्होंने कहा द ऑपरेशन ऑफ द मासेस एंड द निग्लेक्ट ऑफ द वुमेन एजुकेशन। ये 2 कारण थे जिनकी वजह से हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि आज से 20 साल पहले जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तब भी मैंने इकोनॉमिक्स किताब में पढ़ा था इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड टिल टुडे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आगे आने वाले 10 सालों बाद ही इंडिया विल बी अ डेवलपिंग कंट्री। आई एम सॉरी टू से, व्हाई? बिकॉज आज हमारी जो नारी है, जो हमारी लड़की है, हमारी बच्ची है, आज भी वो सेफ नहीं है, हम उसके एजुकेशन की बात क्या करेंगे। हम अच्छे घरों की बच्चियां भी, हम बाहर गेट के बाहर निकालने में हमें डर लगता है, कौन आएगा उसको उठा के ले जाएगा। हम किस समाज में जी रहे हैं? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं क्लासरूम्स में, हमें ये बताइए। घरों में हम क्या वैल्यूज और संस्कार दे रहे हैं? हम संस्कारों की बात यहां कर रहे हैं कि अच्छे संस्कार
संस्कार दीजिए, फिर अच्छे विचार दीजिए, फिर अच्छा उनका आचरण होगा। कैसे होगा? अध्यात्म तो बात की बात है। आई एम सॉरी टू से सर, अध्यात्म बात की बात है कि बेटा तुम आत्मा हो, तुम अपने आप को जागृत करो, तुम रियलाइज। अरे ये बाद में आएगा, पहले उनको हम अपने आप से तो जोड़े कि ये बेटा ये तुम हो। पहले अपने आप को स्वीकार करो, दूसरे को स्वीकार करो। तुम्हारे अंदर कमियां हैं कोई बात नहीं, इन कमियों को तुम दूर कर सकते हो। तो दैट मींस सबसे पहले हमें पेरेंट्स के ऊपर काम करना है। और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है सर? हमें स्कूलों तक पहुंचना है, हमें कॉलेजेस तक पहुंचना है, हमें विश्वविद्यालयों तक पहुंचना है, और वहां पे हमें पेरेंट्स की मीटिंग्स रखनी है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करने हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स करनी है, और पूरे जोश से करना है। एक मतलब जिसको कहेंगे ना सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात, एक आंधी लानी है कि जहां पे पेरेंटिंग की काउंसलिंग हो। मैंने ऐसे कई स्कूलों में सर, मैं लखनऊ में जुड़ी हुई हूँ, आसनसोल तक के काम करके आई हूँ, वहां पे पेरेंट्स की भी मीटिंग हुई, और 2 घंटे की मीटिंग वहां पे बुलाया गया, प्रिंसिपल ने बुलाया पेरेंट्स के लिए। यहाँ भी लोएटो कॉन्वेंट और तमाम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं जुड़ी हूँ, पेरेंट्स के लिए वो बुलाते हैं, जब भी नया सेशन शुरू होता है ओरिएंटेशन के लिए बुलाते हैं। मगर दुख की बात है, गिनती के 4-5 स्कूल, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज इस प्लेटफॉर्म के शाम का वक्त है, झूठ नहीं बोलूंगी, लिटरली आई हैव गॉन टू स्कूल्स, मैं स्कूलों में गई हूँ सर, मैंने भीख मांगा है कि मैम दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई डू, आई नीड टू, आप मुझे मौका दीजिए कि मैं पेरेंट्स से बात करूं, है किस किस विषय पर, इस विषय पर मुझे बात करनी है, मुझे मौका दीजिए। ओह वी डोंट हैव टाइम सी, अभी बहुत सारी एक्टिविटीज लाइंड अप हैं, तो फिर देखेंगे, आप अपना परफॉर्मा दे, मतलब प्रपोजल दे दीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए, हम देखेंगे। वो देखेंगे का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या देखेंगे, ना बुलाया और ना उसके बाद उन्होंने पूछा, ना उसका महत्व समझा कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि हम ही से बात कराओ, अरे कोई और दूसरा काउंसलर, एक्सपर्ट, मोटिवेशनल कोई पकड़ लो, लेकिन पेरेंट्स के लिए हमारी ये पहली नींव जरूरी है कि हम पेरेंट्स तक पहुंचे और वहां तक हम अपनी बात पहुंचाएं कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, और प्लस उनके साथ उनकी हैंडलिंग, उनका कम्युनिकेशन कैसा है। That is parenting, positive parenting पे हमें बात करनी है। Now the second important thing, हमारे teachers के बारे में तो कोई बात नहीं करता। हम युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं तक पहुंचो भाई, उनको जागृत करो, लेकिन जो हमारे क्लासरूम में, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वहां के जो क्लासरूम में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, क्या उन तक पहुंचने की हमें जरूरत नहीं है? वो क्लास में आता है और केवल नोट्स देकर और बातचीत करके, क्योंकि वो अभी सर ने कहा कि, बच्चे ने कहा कि भाई टीचर खुद कहता है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तो सर ने कहा कि तुमने टीचर से नहीं पूछा, वो टीचर से भी पूछेगा तो वो क्या कहेगा, भैया हमको जो सिलेबस में लिखा है, पाठ्यक्रम में हमें वही तो पढ़ाना है, वो भी एक जगह मजबूर है। तो बात कहां पे पहुंचनी है? बात वहां पहुंचनी है कि भैया तुम काहे को फालतू के कोर्स में पाठ्यक्रम जोड़ रहे हो जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात सर, आज ये बड़े दुख की बात है, और सर ये ऐसी बात नहीं कर रही हूं, मेरी रिसर्च की भी बात है कि बीएससी, बीकॉम, बीए अलग अलग कर दिए गए। बीएससी का बच्चा, या हम कहें बीए का बच्चा, ये नहीं जानता कि साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ। कॉमर्स बीए का बच्चा, शायद बीएससी का बच्चा, ये नहीं जानता कि हमारे फाइनेंस, कॉमर्स, उसमें क्या, अकाउंटिंग में क्या हो रहा है। दैट मीन्स आज हमारे पूरे यूनिवर्सल इंडिया में ये पाठ्यक्रम में बदलाव आने की जरूरत है कि हम मिक्स्ड सब्जेक्ट्स को लेने का हम ऑप्शन दें। बच्चा साइकोलॉजी भी पढ़े, बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़े, और बच्चा जो है अपना कोई हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ ले, व्हाटएवर। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम एक यूनिवर्सल बनने की आवश्यकता है। दूसरा, टीचर्स वो क्लास में, क्योंकि टीचर जो पढ़ाने आ रहा है वो स्वयं अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, वो खुद ही अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठा में है, क्योंकि आज जो टीचर है उसको क्लर्क ज्यादा बना दिया गया है, एक पियोन ज्यादा बना दिया गया है, और टीचर का जो एक रियली जो एक जो गुरु का एक एक जो औहदा होता था, जो एक काम होता था, वो कहीं दरकिनार कर दिया गया है, किनारे कर दिया गया है। तो ये जरूरी है कि हम टीचर्स तक भी पहुंचे, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, हम यूनिवर्सिटीज में जाएं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें जहां पे हम टीचर्स को भी लाइफ स्किल्स की शिक्षा दें। लाइफ स्किल्स का पूरा कोर्स है। आज WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आज की तारीख में, आप सोचिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा सर, उन्होंने लाइफ स्किल्स, 10 कोर लाइफ स्किल्स
आइडेंटिफाई कर ली हैं। उन्होंने कहा है आज ये इतनी जरूरत है इनको स्कूल्स और कॉलेजेस में सिलेबस के अंदर इनबिल्ट करने की कि आप बच्चों को लाइफ स्किल्स की टीचर्स को पेरेंट्स को ये शिक्षा दी जाए। और लाइफ स्किल्स क्या, 10 कोर लाइफ स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला लाइफ स्किल है। WHO ने जो लिस्ट दी, सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप को जानना, हू एम आई। उसके बाद आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, असर्टिवनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। ये सारे 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जो WHO ने आइडेंटिफाई किए और ये बेइंतहा जरूरी हो गए हैं कि हम स्कूल, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, इसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। CBSE बोर्ड ने इसको जरूर कहा कि 7 से 12 तक इसको लागू किया जाए, मगर मैं बड़े दुख के साथ ये कहती हूं कि कहीं पर भी केवल कागजों में ये बातें हैं, कहीं पर भी इसको लागू नहीं किया जाता। 2 साल पहले की बात है सर, मैंने रिसर्च किया और इंटेंसिव रिसर्च किया, क्योंकि मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर प्रेजेंट करना था लाइफ स्किल्स के ऊपर। और वो क्या काम किया मैंने, हमारे यहाँ जो CBSE, ICSE और UP बोर्ड का जो कोर्स है, तो उसमें जो उनके हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंसेस की जो किताबें जो चलती हैं, ICSE बोर्ड हो, CBSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, उसकी किताबें मैं लेकर आई और मैंने उनका अध्ययन किया कि उसमें क्या क्या लाइफ स्किल्स, उनके जो चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, कहानियां हैं, हिंदी में है, सोशल साइंसेज है, आप एनवायरमेंटल साइंस ले लीजिए जो होता है बच्चों का, है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें क्या लाइफ चैप्टर्स में, ये जो लाइफ स्किल्स मैंने अभी आपको 10 बताए, ये कहां कहां उसमें से निकलते हैं। तो मैंने स्टडी किया एंड सच ब्यूटीफुल सर, कहीं कमी हमारी किताबों में नहीं है, हमारे बच्चों की आप किताबों में देख लीजिए, जिस बोर्ड की भी किताब आप उठा लीजिए, कितनी सुंदर किताबें, चाहे हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए। मैंने जाके टीचर्स के साथ इंटरव्यू किया, पहले उनका कोर्स कंटेंट एनालिसिस किया, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, हर किताब को मैंने, हर बोर्ड की किताब को पढ़ा, उसमें से लाइफ स्किल्स निकाले कि हाँ भाई इस चैप्टर में देखो ये लाइफ स्किल, इस चैप्टर में हम बच्चे को ये लाइफ स्किल बता सकते हैं, इस चैप्टर से हम ये लाइफ स्किल बता सकते हैं, ये सारा निकाला। उसके बाद मैंने हर बोर्ड के स्कूलों में, 2 या 3 स्कूलों में विजिट किया, उनके टीचर से मैंने मुलाकात करी, जो हिंदी पढ़ा रही, जो अंग्रेजी पढ़ा रही, जो सोशल साइंस पढ़ा रही, मैंने कहा कि मैडम ये देखिए हिंदी की किताब है, कितनी सुंदर कहानी है, इसके पीछे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है ना, कुछ एक्टिविटीज दी रहती है किताबों के पीछे, कि जैसे कोई कहानी है उसके बाद लिखा हुआ है कि आप बताइए कि ऐसा आपके साथ कोई घर घर के पास हो तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताइए। और ये क्या है, ये कौन सी आपके अंदर लाइफ स्किल पैदा कर रहा है, एम्पथी, समानुभूति, सिंपथी, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपथी एंड एम्पथी। आज तो दुख की बात यह है कि ना आदमी सहानुभूतिपूर्ण रह गया है, ना समानुभूति रह गई है, केवल वो अपैथिक हो गया है, उदासीन हो गया है। शायद यही कारण है कि आज 3 साल की बच्ची का भी रेप होता है, एक प्रेग्नेंट औरत का भी रेप होता है और एक बुजुर्ग महिला का भी रेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, तो हम एम्पथी की बात कहां से करेंगे, हम कहां तक, कहां से ये सोचेंगे कि हाँ दूसरे का दुख हम दूसरे के जूते में जाकर हम देख पाएंगे, कहां देख पाएंगे जब हमारे अंदर की सारी सहानुभूति, संवेदनशीलता खत्म हो गई है और हम स्कूलों में ही बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। को मैंने पूछा आप यार, अरे मैडम कहां इतना टाइम होता है, दिस वॉज द आंसर ऑफ द हिंदी टीचर ऑफ ए गुड स्कूल, मैडम कहां इतना टाइम होता है, बस वो जो चैप्टर खत्म करो, शब्दार्थ लिखा दो, क्वेश्चन आंसर हटा दो, एग्जाम में हो जाए। फिर चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस की किताब का चैप्टर हो, पोल्यूशन हो, कोई बात हो, पॉपुलेशन हो, व्हाटएवर सर, कोई टॉपिक उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है और उसमें जो पीछे लिखा है, उस एक्टिविटी से कोई लेना एक ना लेना दो, वो केवल चैप्टर कंप्लीट करो। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्किल्स डू वी थिंक। और हम कहते हैं जब स्कूलों में जाते हैं तो प्रिंसिपल और टीचर्स कहते हैं अरे मैडम इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हम कहते हैं सर कहीं टाइम की आपको जरूरत नहीं है, आप उसी कोर्स में, उसी चैप्टर में बच्चे को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम इस स्टेज में, एज में सर 18 साल की नौकरी के बाद भी आज ईश्वर की कृपा से इतना जज्बा है कि मेरी क्लास में 200-250 बच्चा BA का बैठा रहता है एंड दे ऑल आर सो मच, मतलब आप ये सोचिए कि वो उनको उसी क्लास में उसी चैप्टर के साथ में कितना कुछ उनको दे देती हूं। तो व्हाई कैन नॉट द अदर टीचर्स, व्हाई कैन नॉट,
आज हमारे टीचर्स जो इतना नोबल प्रोफेशन माना जाता था, आज हमारे टीचर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करके उनका सिलेक्शन हो जाता है, बट कहीं ये नहीं देखा जाता कि उनमें कितनी उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं, क्या उनके अंदर बोलने की काबिलियत है, बोल पाते नहीं है, बच्चे ले गए हिस्ट्री का प्रोफेसर बन गए, माफ करिएगा प्लीज। लेकिन फैक्ट यही है, आज हमारी सिलेक्शन प्रणाली, आज हमारी अपॉइंटमेंट प्रणाली, ये सब आज अंधेर में है, सब अंधेर में है। और जब तक ये चलता रहेगा, माफ करिए, इंडिया विल स्टिल बी अ डेवलपिंग कंट्री, इट विल नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री। Why? Because जहां 70% लोग आज गांव दराज में हैं, रूरल एरियाज में हैं, नीचे के तबके के हैं, हम केवल उन 30% लोगों की शायद बात करते रहते हैं जो हम और आप हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो नीचे हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? बेसिक शिक्षा में आज अभी मैं आपको हाल का एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एग्जाम्स जो हुए हैं, अभी एग्जाम्स हुए हैं, मैं कहीं का नाम नहीं लूंगी बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अभी हाल के एग्जाम में, अभी सोचिए, योगी जी के राज्य में एक कॉलेज में जहां एग्जाम हो रहा है, इनविजिलेशन के लिए जो टीचर डिप्यूट किए गए वो क्लासरूम के बाहर थे और बच्चे कमरे के अंदर किताबें खोलकर इधर से उधर कर रहे हैं, मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल में गूगल सर्च मार के एग्जाम दे रहे हैं। ये अभी का है, मैं आपको एग्जाम्पल दे, क्या डिग्री है ये क्या डिग्री की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा की बात करें, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहां जाएगा ये बच्चा? और वो केवल नौकरी की तलाश में है, केवल नौकरी की, कि हमको शॉर्टकट मेथड, आज का युवा केवल शॉर्टकट मेथड चाहता है कि बस हमारी किसी तरह हमें डिग्री मिल जाए और हम नौकरी पा जाए, हम पैसा कमाने लगे और बाकी अपने एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है, अपने 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 मनोरंजन में लगा हुआ है कि हमारा मनोरंजन होता रहे, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें यूनाइट होने की जरूरत है। मुझे लगता है समय में ज्यादा ले रही हूं, बातें बहुत है करने के लिए। ये मैंने मोडस ऑपरेंडी की सर मैंने शॉर्ट में आपको मैंने ब्रीफ अप किया, वी नीड टू रेवोल्यूशनाइज, एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है हमें एक समाज में अपने। अरे हम कहते हैं ना कहीं और जाइए, हम लखनऊ में एक ऐसा रेवोल्यूशन ले आए, हम सब एक हो जाए, जो जो ट्रेनर्स अपनी जगह हो जाए, ये अपनी जगह हो जाए, वो अपनी जगह हो जाए, चलिए हम सब मिलकर हाथ मिलाकर चले और स्कूलों में जाके बात करें, आइए टीचर की ट्रेनिंग जरूरी है, आप बाद में बाकी बातें बाद में करिएगा, पहले अपने टीचर्स को ट्रेन करिए, जो खुद अपने आप में गिरा हुआ है, जो खुद अपने आप से मायूस है, जो खुद अपने आप से दुखी है, फिर दूसरा आइए पेरेंट्स को लेकर आइए सामने और उन पेरेंट्स से बात करिए जो बच्चों को रेयर अप कर रहे हैं, वो क्या संस्कार दे रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनको सामने लेकर आइए और उनसे बात करिए। आई थिंक जब तक ये रेवोल्यूशन नहीं आएगा, हम शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को एक साथ हम नहीं लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच।